सोची थी कि ये जो ब्लॉग है वो आज मैं सुबह से ही स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना, आँख खोल के पूरा काम और काम रहता है चारों तरफ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ या आप लोगों के साथ सामने आ सकूँ। तो इसलिए अभी मुझे टाइम मिला है तो अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आ गई हूँ। सुबह से इतना हेक्टिक जाता है ना कि मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग आँख खोलते हैं, जैसे मैं स्पेशली जब भी मैं आँख खोलती हूँ ना, चारों तरफ मुझे काम 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 ही दिखता है। जैसे उठ के ही ब्रेकफास्ट बनाना, लंच का तैयारी करना, फिर डस्टिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग आई हैव टू डू बाय माई सेल्फ ओनली, क्योंकि अभी तक हम लोग मेड जो है उसको अलाउ नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केसेस अभी तक नहीं आया है, सारा जो है सब ठीक ही है, लेकिन फिर भी बच्चा है तो डर लगा रहता है, तो इसलिए हम लोग जो है मेड अभी तक अलाउ नहीं किए हैं, तो सारे जो काम है वो खुद को ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन ये जो सिचुएशन चल रहा है ना लॉकडाउन का, तो इससे मैं एक बात को ज़रूर नोटिस की हूँ कि पहले जब एक दो दिन के लिए भी मेड नहीं आती थी ना, तो कितना टेंशन होने लगता था, लगता था कि कैसे हो पाएगा, क्या कर पाएंगे, कैसे सब कुछ करेंगे, एक दो दिन भी मतलब लगता था कि कितना दिन है। लेकिन अभी देखिए, जैसे कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था मार्च के एंड से, तब से लेके आज तक हम लोग मेड को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए हैं, मतलब एक दिन के लिए भी अलाउ नहीं किए थे। तो मार्च का एंड से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी अगस्त भी स्टार्ट हो गया है, तो इतना दिन तक अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं, टेंशन वाला बात जो है ना वो नहीं आ रहा है। तो हर कुछ जो है वो डिपेंड करता है हम लोग के माइंड सेट के ऊपर, जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये हम लोग कर पाएंगे तो वो हम लोग ज़रूर कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सीख है जो मैं ये लॉकडाउन सेशन में पाई हूँ। और ये लॉकडाउन जो है ना वो बोरिंग है, लेकिन हम लोगों के लिए उतना भी बोरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है ना, वो पूरा दिन में कुछ ना कुछ करते रहता है, उसका बदमाशी चलते रहता है, रोज नए नए चीज़ जो है वो सीखता है, वो देख के हम लोग एंजॉय करते हैं। फिर जो होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसको मैं ड्रेसअप कराती हूँ, फिर फोटो खींचती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, हंसती हूँ, तो दिन से रात, रात से दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि आज है 9th of August, तो आज वो उसका 7 months स्टार्ट होगा, वो 9th of January को उसका बर्थडे था, तो अभी उसका 7 months स्टार्ट होगा, तो मैं सोची हूँ कि उसको आज फोटोशूट करवाएंगे, उसका एक नया ड्रेस भी है तो उसको पहनाएंगे और उसको फोटोशूट करवाएंगे। तो अभी वो फिलहाल सो रहा है, जब वो उठेगा मैं भी अपना चाय खत्म करूंगी, उसके बाद कुछ फोटो क्लिक करेंगे, तो कुछ खास नहीं करेंगे, जैसे उसका टॉयज वगैरह है उसके साथ फोटो क्लिक करेंगे। ना तो उसके लिए उसका एक ड्रेस भी मैं खरीद के रखी थी, वैसे उसका बहुत सारा ड्रेसेस है जो कि अभी पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी पहन नहीं पा रहा है, तो यही सारे बहाना मिलता है हम लोगों को उसको ड्रेसअप करवाने का। तो ये एक डांगड़ी टाइप का ड्रेस है, येलो कलर का, शायद मेरे वीडियो में एक हॉल है उसमें आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके चेक कर लीजिए तो आप लोग को दिख जाएगा। और ये डांगड़ी है, ये अमेजोन से मैं ऑर्डर की थी, शायद 500 या 550 ऐसे आसपास आया था, तो आज यही वाला पहनाऊंगी और उसका फोटोशूट करूंगी, मतलब कुछ फोटो क्लिक वगैरह ये सब करूंगी, सो थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी एक साथ और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। हम लोग बस इसी तरह फोटोशूट किए, क्योंकि अभी उसका 7 months जो हुआ है वो स्टार्टिंग हुआ है,
पैसे के लिए मेमोरी क्रिएट करने के लिए फोटोशूट किए हैं। वो ना किसी भी तरह की फोटोशूट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है, जैसे कि अगर वो रो रहा था, कुछ भी कर रहा था, तुरंत हम लोग जब उसको ड्रेसअप कराया, फोटोशूट करना स्टार्ट करते तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है, खेलना स्टार्ट कर देता है। तो जितना हो सके उतना हम कैप्चर किए और आप लोगों के साथ शेयर किए, तब जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फोटोशूट में हम लोग स्टार्ट किए थे 8 बजे, और इसको तैयार करके फोटोशूट करके सारा कुछ करते करते अभी 9 बज गया है। अभी फिर हम लोग का डिनर टाइम 1 घंटा में आएगा, 1 घंटा में हम लोग जो है ना डिनर करेंगे, तो आप लोगों को तब शेयर करेंगे कि आज डिनर में क्या क्या है। अभी फिलहाल इसके साथ थोड़ा खेलेंगे, फिर इसको सोने का टाइम होगा तो ये खा के सोएगा। अभी हम लोग जो है डिनर करेंगे, और डिनर में बना है चिकन भरता और आलू और भिंडी की सब्जी और रोटी। अभी ऑलरेडी 10 बज चुका है, अभी टाइम है डिनर की। चलिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। कोई भी फीडबैक हो तो वो भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से सारे अपडेट आपको मिलते रहे। सो बाय बाय गाइज, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।